स्वीटी छाबरा जी प्लीज कम ऑन स्टेज. अब फिल्म का फर्स्ट लुक आउट करने वाले हैं. प्लीज आप सभी क्लैपिंग कीजिए इनके लिए. मेरे पापा मुझे
देखकर इतना बड़ा सपना नहीं देखे होंगे कि शायद मेरा बेटा इतना बड़ा बने मैं और इस मुकाम तक देखूं। लेकिन अगर इन्होंने देखा है मेरे लिए सपना, तो आज मेरे बाप से बढ़ के हैं आपकी कभी तो अपना सपना देखेंगे। और जितने भी लोग आए हैं, जितने भी हैं मेरे भाई और बहने, कैसे बोलूं, गर्लफ्रेंड्स बोल दीजिए, खुश हो जाएंगे सब। हाँ, गलती हो जाएगा, खुश हो जाएंगे सब। जितने भी हमारे भाई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री को समझते हैं, जानते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना आगे बढ़ाया है, क्योंकि मैं तो अभी बच्चा हूँ इस जगह पे, और मैं जब आया था तो शायद मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन आप ही सबको देखकर मैं कुछ करने की क्षमता रखता हूँ, और शायद आप सबको देख के ही मैं बहुत आगे तक और जाने की कोशिश करूंगा। जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने भी हमारी यू हैं, आती रिस्पेक्टेड लेडीज, रिस्पेक्टेड ठीक है, इंग्लिश है तो रिस्पेक्टेड लेडीज जो भी हैं यहाँ पे, सबको मैं सम्मान करता हूँ, और सबको दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने अपना बिस्किटी समय इस फिल्म के लिए दिया, और ढेर सारा आशीर्वाद देकर इस फिल्म को जाइए कि इनके सपना इतना बड़ा हो जाए कि शायद हर आदमी खेसारी को लेकर सपना देखे। थैंक यू, आई लव यू। श्री मधुकर जी से निवेदन करूंगी कि वो चंद लाइनें कहेंगे। जिला चंपारण टीम से जुड़े तमाम जितने टेक्नीशियंस हैं, हमारे रेस्पेक्टेड प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब और खेसारी लाल जी, तमाम लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बाकी ये पिक्चर में हम जुड़ल बनी, बहुत हमारा खातिर एक बहुत अच्छा बा मौका बा। एक सिचुएशन हम कल सुननी खेसारी जी के माध्यम से, बहुत अच्छा लगल। हम प्रयास कर रहा बने कि रुआ लोग के आशीर्वाद ये गाना में मिले, ये पिक्चर के तमाम गाना में। हमने के मेहनत से, लगन से कार्य करे खातिर वचनबद्ध बनी जा, ये पिक्चर के माध्यम से अच्छा अच्छा गाना सुने के मिली रुआ लोग के। बाकी आशीर्वाद बनीले रखी, और गला हमारा बहुत ज़्यादा एकरेगी हो गई बा, थोड़ा ठंडा लग गई बा, फिर ठंडा लग गई बा, तनि गर्म करे की जरूरत बा, ठीक ना, ऐसे गाना उना नहीं गा सकता। खेसारी भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे एक गाना गाएं, कोई भी गाना, मजा आ जाए। कि तो है ना संगे की चावल फोटो फाड़ दे, तोहरा संगे की चावल फोटो फाड़ दे, जहिया आई बराती तोरी डोली में गोली मार दे। चलिए, बहुत अच्छा ही गाना है, अभी रिलीज हुआ है, तो आप लोग को देखने को पोस्टर तो मिल ही गया होगा, बाकी गाना भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। डोली में कौन ना कौन दुल्हन ना होगी जी, डोली में वॉइस थोड़ी बैठी है। चलिए, थैंक यू पूरी टीम को मेरे तरफ से, और सबसे ज्यादा आपको। मैं अब मनोज कुमार जी से निवेदन करूंगी कि उन्होंने बोल रहे हैं, अरे दादा गड़बड़ अभी बोलेंगे, प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज, दो लाइन वो खाली लिखते हैं, बोलते हम हैं प्लीज सर, प्लीज हम आपसे सुनना चाहते हैं। नहीं, वो नहीं बोलते हैं, वो लिखते हैं, हम बोल देते हैं। ठीक है, रत्नाकर सर आप दो लाइन के प्लीज प्लीज। हीरोइन बोले तो बेहतर होगा, आप ही कुछ बोल दीजिए, आए खाली खा के जाएंगी, बोलिए। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी और लाल बाबू जी को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी फॉर द फिल्म एंड ये मुहूर्त के लिए। हमरो तो कह दीजिए, बहुत ही अच्छे टाइटल है, जिला चंपारण, एंड आप सबको ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छी फिल्म बने, एंड बस मुस्कुराते रहिए, और मेरे हीरो को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड इवनिंग, और सच में ये मैंने जब नाम पढ़ा तो
तो बहुत ही डिफरेंट नाम है, पोस्टर बहुत अच्छा बनाया है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। लाल जी, आपकी पहली फिल्म है, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल दी बेस्ट। फिर रावी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस फिल्म के लिए। और इन्होंने बहुत सुपर सुपर अच्छी अच्छी हिट फिल्में दी हैं। एक फिल्म मेरे साथ भी दी है, बाय मिस्टेक सुपर हिट हो गई है। हम लोग की पहली फिल्म थी होगी प्यार की जीत। और मुझे लगता है कि खेसारी जी का अभी का जो सिलेक्शन है फिल्म्स का, बहुत अच्छी फिल्में चूज कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने इनकी फिल्मों के नाम सुने, बड़े धासु धासु नाम है, आतंकवादी, जिला चंपारण, बाबरी मस्जिद, मतलब ऐसे ऐसे धासु धासु फिल्में करें, तो मुझे लगता है धासु धासु फिल्में सब सच में डिजर्व करते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं ये। और इनकी मेहनत मैंने फिल्म में देखी है, होगी प्यार की जीत के टाइम विदाउट एनी पेड ये इतना वर्कआउट करते थे कि हम लोग को पसीने छूट जाते थे इनको देख के, और सारे कॉम्पिटिशन में आ जाते थे। सच्ची बहुत मेहनत करते हैं अपनी फिल्म के लिए। मजाक मस्ती अपनी जगह है, अंदर से बहुत सीरियस टाइप के इंसान है, बाहर से बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो इसलिए इनकी मस्ती पे ना जाए, इनके अंदर दिल को देखें, जो बहुत ही गंभीर सोच विचार वाला है, जो हमेशा सोचता रहता है कुछ ना कुछ। मैं इनके तरह बॉडी बनाना चाहता था। अच्छा, अभी तक मेरे समझ में हम कहीं नहीं आया, ये धांसू का होता है। धांसू मतलब जबरदस्त। ओके, हाँ, तो क्लियर करना जरूरी है ना जी। हम नहीं, इनको वैसे भी बहुत क्लियर करना पड़ता, वरना इनके हर बात के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अब मैं श्री कैलाश शर्मा जी से और मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने किसी की याद दिला दी, इज माई वेरी वेरी हार्ड टचिंग गुड फ्रेंड। सामने ही बैठे हैं, आजकल बहुत डूड बन के घूम रहे हैं, अवधेश मिश्रा जी। और इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया होगी प्यार की जीत के टाइम, अवधेश जी, और इन लोगों ने सच्ची में बहुत अच्छा काम तो किया ही है, लेकिन ये पूरी फिल्म में कुछ ना कुछ टॉर्चर भी करते रहे। धांसू ही है, धांसू ही है सच्ची में। और एंटायर टीम, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, नहीं तो बोलेंगे माइक पकड़ा के तो चालू हो गई है। नहीं नहीं नहीं, सबको हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल दी बेस्ट टू एंटायर टीम, और जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं सभी को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सही में टाइम दिया। मैं भी अपने आप को थैंक यू, मैंने भी टाइम दिया। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। श्री कैलाश शर्मा जी प्लीज स्टेज पे आइए। अब मैं कैलाश शर्मा जी से दो शब्द कहने के लिए कहूंगी। सबसे पहली तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, मेरा बॉर्न बॉम्बे में हुआ है अंधेरी में, और मैं रहता था जोगेश्वरी में, और मैं आज 17 इयर्स से कलकत्ता टॉलीवुड को मैं कोरियोग्राफर हूँ। मैंने काम यहाँ सीखा, लेकिन लाल बाबू ने बहुत मेरे लिए बोला, मैंने बहुत फिल्में किया, गोविंदा जी को भी नचाया, बहुत सारे आर्टिस्ट को। मेरा भाग्य है कि अब सुपरस्टार भोजपुरी के सुपरस्टार केसारी जी के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, और सारे भोजपुरी के आर्टिस्टों को मेरी माता जी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब जानते हैं। और मेरा भाग्य है कि आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि सुपर स्टार, इतने बड़े सुपर स्टार केसारी जी के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं श्री खेसारी लाल जी से निवेदन करूंगी कि वो और बाकी लोगों को भी अपने हाथों से फूलों का गुलदस्ता प्रदान करें। हाँ, बुलाइए, कर देते हैं। मिस प्रियंका पंडित जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। चली गई।